हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। जो प्रॉब्लम लास्ट नाइट मैंने डेली ग्रुप में शेयर की थी। इस डीएसए ग्रुप के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले। सो बेसिकली इस ग्रुप में मेरी कोशिश ये है कि मैं हर दिन एक नया क्वेश्चन पोस्ट करूँगा, जिसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास 24 आवर्स होंगे और 24 आवर्स के अंदर उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं प्राइवेटली, एंड मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, उसको बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो उस ग्रुप का लिंक वीडियो में पोस्ट कर दूंगा, या फिर यहाँ पे कहीं पॉप हो रहा होगा तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें एंट्री फ्री है, एटलीस्ट फॉर नाउ इट इज़ द मेम्बरशिप इज़ फ्री, ठीक है। तो बात करते हैं, ये है कोड क्वेश्चन लीड कोड का, जहाँ पे कह रहे हैं कन्वर्ट बाइनरी नंबर इन अ लिंक लिस्ट टू इंटीजर। ओके, बाइनरी नंबर इन अ लिंक लिस्ट टू अ इंटीजर। सो बेसिकली बाइनरी नंबर क्या होता है, जिसमें बेसिकली जीरो एंड वंस को यूज़ करके नंबर बनाया जाता है, उसको बाइनरी नंबर बोलते हैं। एंड वो एक लिंक लिस्ट में दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने क्या किया, ये एक बाइनरी नंबर है 101, और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया है, बेसिकली लिंक लिस्ट में एक नोड है, फिर दूसरा नोड है, फिर तीसरा नोड है, इस तरह, ठीक है। और हमारा एम क्या होगा, इस 101 को आउटपुट में कन्वर्ट करना 5, ठीक है। कैसे आंसर आता है इसका, हम जिसको भी बाइनरी नंबर आता होगा उसको पता होगा कि बेसिकली जो सब यूनिट्स पोजीशन है, ये 2 to power 0 को इंडिकेट करता है, ये 2 to power 1 को इंडिकेट करता है, और ये 2 to power 2 को इंडिकेट करता है, राइट। तो अगर हम सभी नंबर्स को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो 2 to power 0 into 1, 2 to power 0 into 0 प्लस 2 to power 0, 2 to power 2 into 1, राइट। तो आंसर आता है आपका 5, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना क्या है पूरे इस प्रोसेस में, कि आपके पास जो भी नंबर आएगा उसको, यहाँ पे 1 होगा या 0 होगा, उस नंबर को आपको 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना है, राइट। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, ओके मैं ड्रॉ करता हूँ उस, ठीक है। तो बेसिकली मान लीजिए हमारा नंबर है 1 1 0 1, ठीक है। तो ये है हमारा 0 पोजीशन, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन, ये हमारा सेकंड पोजीशन, ये है हमारा थर्ड पोजीशन, राइट। तो इसका आंसर अगर हमें चाहिए होगा कि इसकी वैल्यू क्या है, तो हम क्या करेंगे, 2 to power 3, 2 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 to the power 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, और 2 to the power 0 मल्टीप्लाइड बाय 1। इन सबको हम देखेंगे क्या आएगा, 2 to power 3 into 1 इज 8, 2 to power 2 into 1 इज 4, 2 to power 1 into 0 इज 0, एंड 2 to power 0 into 1 इज 1। तो अगर हम इन सभी नंबर्स को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 + 4 + 1 = 13, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा 13। तो इसी चीज़ को हमें कोड में लिखना है, ठीक है, इसी चीज़ को हमें कोड में लिखना है। तो हम कोड में इसको कैसे लिख सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जो पहला नंबर है उसकी 2 to power 0 पावर है, दूसरा नंबर उसकी पावर 2 to power 1 है, 2 to power 2 है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेसिकली हमको ये करना है, इसका सूडो कोड लिखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन 0 टिल देर आर डिजिट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन 0 फॉर ईच पोजीशन, फॉर ईच पोजिशन आए, बट हमें क्या करना है, बेसिकली 2 to the power i मल्टीप्लाइड बाय नंबर डिजिट एट i, राइट। तो ith पोजिशन पे जो 2 की पावर है उससे करना है, ठीक है। तो इसको करने का तरीका बहुत सिंपल है, अगर एक तरह से फॉर लूप लिखा जाए तो इसका मतलब ये होगा, ये अभी भी एक सूडो कोड है, कंप्लीट कोड नहीं है। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन लेंथ ऑफ नंबर,
आई प्लस प्लस हमें एक आंसर बना के रखना पड़ेगा, आंसर इज इक्वल टू जीरो, ये आंसर वही है जो नंबर बन रहा है, राइट। तो हमें क्या करना होगा, हर एक बार आंसर में ऐड कर देना पड़ेगा। ऐड क्या करना पड़ेगा, टू की जो पावर है जो बेसिकली यहाँ पे आई है मल्टीप्लाइड बाय जो डिजिट एट आई एथ पोजिशन, ठीक है। अगर हम ये कोड हमने इम्प्लीमेंट कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब बस बात इतनी सी आती है कैसे हम लिंक्ड लिस्ट में ये चीज़ करें, ठीक है, कैसे हम ये चीज़ लिंक्ड लिस्ट में आके करें। तो हमें ये लिंक्ड लिस्ट दे रखी है और मैं इसका कोड छुपा देता हूँ, चलो कोड रहने देता हूँ, कोड को समझाता हूँ कैसे किया है हमने। तो बेसिकली आपकी स्क्रीन पे जो कोड होगा वो इस तरह का होगा, खाली पड़ा होगा, राइट, और आपको इसके अंदर कोड लिखना है। तो बात करते हैं कैसे हम करेंगे। तो इन टिल नाउ मेरा क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था सम इक्वल टू सॉरी जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आंसर इज इक्वल टू जीरो, वही मेरा इन टिल नाउ जीरो है। और वाइल हैड इज़ नॉट इक्वल टू नल, हैड इज़ नॉट इक्वल टू नल का मतलब क्या है, हैड नॉट इक्वल टू नल का मतलब ये है कि जब तक मेरे नंबर्स ख़त्म नहीं हो जाते। लिंक्ड लिस्ट में हेड से लेकर टेल तक हम जा रहे हैं, राइट, तो जैसे ही हमारा जो नंबर हेड है वो नल हो जाएगा, इसका मतलब हमारी लिंक्ड लिस्ट ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब तक ये नहीं होता है टिल नाउ में हमने टिल नाउ को टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और उसमें हेड की वैल्यू ऐड कर दी है। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर मैं समझाऊँ यहाँ पे एग्जांपल लेके 1101 का। तो बेसिकली मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मेरे पास वन आया, ठीक है, तो मैंने मैं कोड भी आपको साथ में दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे वन आया है, ठीक है, ये वाला वन, तो मैंने उसको मल्टी टू की पावर ज़ीरो से, पहले मेरा आंसर टिल नाउ ज़ीरो था, ठीक है, टिल नाउ मेरा आंसर ज़ीरो था, और जब पहली बार आया है जब लूप में घुसा है तो अब क्या होगा, टिल नाउ को हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे टू से, और हेड की वैल्यू, हेड की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वन है, तो यहाँ पे वन ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन, ठीक है। सेकेंड आइट्रेशन में क्या होगा, आपका हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट हो गया है, ठीक है, और फिर से लूप में घुसेगा, तो हेड डॉट नेक्स्ट हो गया तो उसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो, ठीक है। तो बेसिकली टिल नाउ इंटू टू करेंगे, टिल नाउ की वैल्यू क्या है, वन हो चुकी थी, वन को हम मल्टीप्लाई करेंगे टू से और उसमें हम ऐड करेंगे हेड की वैल्यू, हेड की वैल्यू अभी हमारी क्या है, क्योंकि हेड डॉट नेक्स्ट हो चुका है तो ज़ीरो हो चुकी है, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी टू, ठीक है। बेसिकली हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, हम यहाँ पे टू टू पर आई कर रहे थे ना, क्योंकि आईथ पोजिशन में हम टू को उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगले बार ये क्या करेगा, हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, तो बेसिकली ये हेड जो है वन पे पहुंच गया है और टिल नाउ की वैल्यू होगी टिल नाउ इंटू टू प्लस हेड वैल्यू, ठीक है। तो टिल नाउ की अभी तक वैल्यू थी टू, तो टू स्टार टू प्लस जो हेड की वैल्यू, हेड की वैल्यू क्या है, वन, तो ये हो जाएगा फाइव। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले वाले नंबर पर, तो फिर से हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, तो ये वैल्यू हो जाएगी वन, और हम टिल नाउ इंटू टू करेंगे तो टिल नाउ की वैल्यू है फाइव, तो फाइव स्टार टू प्लस हेड की वैल्यू वन, राइट, तो ये हो जाएगा इलेवन। और फिर हम हेड डॉट नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे तो और कुछ है नहीं, खाली है, तो हेड की वैल्यू नल हो जाएगी, तो एज अ रिजल्ट ये जो आपका लूप है ब्रेक कर जाएगा और रिटर्न होगा टिल नाउ, और टिल नाउ की वैल्यू क्या है आपका, इलेवन, तो इलेवन रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई गलती तो नहीं किया, क्योंकि हमारा पहला आंसर आया था 13, 1101 था वो, और ये वाला हमारा नंबर 1101 है, तो हमने क्या किया बेसिकली वन को टू से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, टू को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, सबसे गड़बड़ वाली बात होगी, वीडियो लगता है दोबारा बनानी पड़ेगी। 1101 का मतलब क्या है, 148, अच्छा हमने गलती क्या की है, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो आपको लिंक लिस्ट दी है, जो लिंक लिस्ट दी है उसमें जो आपका हेड है, उसमें जो आपका हेड है ना, ये बेसिकली स्टार्टिंग पोजीशन है,
रिटर्न द डेसिमल वैल्यू ऑफ द नंबर इन द लिंक लिस्ट। तो हमको इसमें जो काम करना है, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इसमें। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। मैं एक बार इसको ठीक करके बताता हूँ कैसे, या इसको रहने देते हैं इसको इस तरह, और दोबारा आपको मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारा गलत आंसर था, मैं बताऊँगा ये गलत क्यों आया। हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे आगे, ठीक है। तो टेल नाउ की वैल्यू हमारी होगी 0 star 2 प्लस ये वाला वन, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1। फिर इसके बाद टेल नाउ की वैल्यू हमारी अभी तक क्या है, टेल नाउ की हमारी वैल्यू है अभी तक 1। तो इस 1 में हम फिर से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो प्रेजेंट हेड की वैल्यू है वो है 1, वो उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3, और हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, तो हेड की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। तो और टिल नाउ की वैल्यू हमारी 3 है, तो 3 star 2 प्लस 0 जो कि हो जाएगा आपका 6। और फिर से हम आएंगे टिल नाउ इंटू 2, तो बेसिकली टिल नाउ की वैल्यू है 2 6 प्लस हेड की वैल्यू जो है 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 13। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया है 13, ठीक है। यहाँ पे गलती क्या हुई थी, जो हमारा नंबर है, ठीक है, जो हमारा नंबर है वो 1 लेफ्ट टू राइट ही जा रहा है। मतलब जो 1 बिट है, ये वाला बिट है, ये बड़ा बिट है, ये छोटा बिट है, फिर ये अगला बिट है, ठीक है। तो ये वाला जो बिट है हमारा हाईएस्ट बिट है, इसलिए इसको 2 to power 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 to power 2 से मल्टीप्लाई करना है। हमने क्या किया था, इस वाले पार्ट में यहाँ से स्टार्ट किया था, इस तरफ गए थे, राइट टू लेफ्ट गए थे, जबकि हमें जाना था लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये गलती हुई थी, इसलिए हमारा आंसर गलत आया था। तो ये है बेसिकली इसका सिंपल सा कोड, आप खुद इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपने कोड तो यहाँ पे देख ही लिया है, बट आई वुड रिकमेंड, आपको कहूँगा कि आप ये कोड देख तो लिया है, लेकिन एक बार फिर से ट्राई करें, और जब तक आपका आंसर नहीं आया था ट्राई करते रहें। बट हाँ, ऑब्वियसली कई बार आप फ्रस्ट्रेट अगर हो जाओ तो उसको ट्राई कर सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, ठीक है, लेकिन वार्म अप के लिए अच्छा क्वेश्चन है। आपको अगर इस वेबसाइट पर स्टार्ट करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड सब कुछ बढ़िया है। धीरे धीरे करके मैं क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाऊंगा, नए नए क्वेश्चन टाइप भेजूंगा जिससे कि सब लोग कर पाए, ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन और विद सॉल्यूशन। आप वीडियो, आप जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें एंट्री फ्री है, उसमें डेली एक नया क्वेश्चन शेयर किया जाएगा और आंसर भी शेयर किया जाएगा। और इस ग्रुप का एम है बेसिकली टू मास्टर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम एक ऐसी चीज़ है जो अच्छी अच्छी कंपनी जैसे अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, हर जगह पूछा जाता है। और इवन अगर आपका कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, मतलब मान लो आपके पास डिग्री नहीं है, ठीक है, या फिर इवन आप फ्रेशर हैं, तो आपको 30 lakh rupees 30 lakh तक का एनुअल पैकेज लग सकता है, ठीक है। बट उसके लिए ऑब्वियसली यू हैव टू बी वेरी गुड, मतलब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की मास्टरी करनी पड़ेगी, ठीक है। और आप जब इंटरव्यू में जाओगे, आप उनको बताओ आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम आते हैं, आपसे वही वो क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको अगर कोई और स्पेसिफिक नॉलेज भी नहीं आती है, कोई बात नहीं, आपको ले लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे कि उनको प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए, थिंकर चाहिए। अगर आपने अपना दिमाग इतना तेज़ कर लिया है कि आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम जैसी प्रॉब्लम कर पा रहे हो, तो जॉब में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, वो आप अज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास इतना तेज़ दिमाग है कि आप सीख सकते हो, ठीक है। सो बाय, टेक केयर।